हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। सेकंड हैंड कार के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो यूज कार मार्केट है इज नाउ इवन बिगर देन द न्यू कार मार्केट। कैसे पता लगाएं जो आप पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं वो चोरी की तो नहीं है, कैसे पता लगाएं जो पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं वो एक्सीडेंटल तो नहीं है, कैसे पता लगाएं कि आपके खिलाफ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, जो बंदा गाड़ी बेच रहा है कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक करना ज़रूरी है, और वो आज के सेशन में बात कर रहे हैं। नंबर वन, कार की आरसी। अब साहब, कार की आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्मार्ट कार्ड, ये बेसिकली कार का प्रमाण पत्र है कि इसका ये फला फला बंदा ओनर है, और उसको आपको ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड चेक करना ज़रूरी है। देखिए, काउंटरफेट आरसी बन जाती है अगर वो पेपर पे है, तो आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करें। दैट इज़ व्हाट आल्सो नीड टू बी सबमिटेड इन आरटीओ आल्सो, क्योंकि गाड़ी ट्रांसफर तभी होगी। और उसके साथ साथ वो काउंटरफेट नहीं है, आपको परिवहन की साइट पर जाके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल्स क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के साथ साथ आरसी में आप देख रहे होंगे व्हीकल ओनर सीरियल नंबर। अगर ये वन है तो साहब आरटीओ के हिसाब से इस व्हीकल का अभी तक फर्स्ट ओनर है और आप सेकंड ओनर होंगे। अगर वो आरसी ओनर सीरियल नंबर टू है तो आप उस गाड़ी के थर्ड ओनर होंगे, और अगर ओनर सीरियल नंबर थ्री है तो भाई साहब आप फोर्थ ओनर होंगे। वो गाड़ी एक्चुअली कूड़ा गाड़ी है, उसकी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, वो भी आपको जाना होगा फॉर वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। नंबर टू, आप गाड़ी लेना तो जा रहे हैं पर वो गाड़ी चोरी की तो नहीं है, उसी के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की साइट पे आइए, वहीं पर व्हीकल समन्वय करके है, उसमें आप गाड़ी की डिटेल्स डालेंगे, इंजन नंबर, चैसी नंबर, व्हीकल ओनर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब डिटेल्स आप डालेंगे, पंच करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि वो गाड़ी चोरी की तो नहीं है। अगर वो चोरी की तो है भाई साहब, बिल्कुल हाथ खड़े कर लीजिए और निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेंट लॉन्च कर लिए कि ये गाड़ी यहाँ पे है। नंबर थ्री, अब गाड़ी लेने का प्लान तो कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई ट्रैफिक ऑफेंस तो पेंडिंग नहीं है। पता लगा कल आपने फाइल आरटीओ ऑफिस में भेजी, उन्होंने कहा जी ट्रैफिक पुलिस की एनओसी कहाँ है, तो उसी के लिए आप जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अंदर आप जाते हैं तो उसमें आता है पेंडिंग नोटिस, तो आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यू विल गेट टू नो कि इस गाड़ी के अगेंस्ट कोई चलान तो नहीं है। आपको पता है कि कितने मोटे मोटे चलान हो गए हैं, 2000, 5000, 10000, अब पता लगा गाड़ी पे ऑलरेडी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, सो दैट आउटस्टैंडिंग नीड्स टू बी क्लियर सो एज टू एंश्योर आरसी ट्रांसफर। दिल्ली में है, मुंबई में ई चलान सिस्टम है, वहाँ पे आपको व्हीकल का चेसी नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ओटीपी डालना होगा, एंड देन यू विल गेट टू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर फोर, अब गाड़ी पे हमें चेक करना है कि साहब कोई बैंक से फाइनेंस तो नहीं है, उसमें आप हाइपोथिकेशन के कॉलम को चेक करिए, आरसी में क्या मेंशन है, अगर आरसी में नहीं है तो इंश्योरेंस में तो नहीं है, अगर इंश्योरेंस में हाइपोथिकेशन है तो उस चीज़ के लिए जानिए कि वो गाड़ी बैंक से फाइनेंस है, और आपको बैंक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इंश्योर कि ओनर से मांगिए साहब इस गाड़ी का लोन स्टेटमेंट चाहिए ओरिजिनल के अंदर, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसकी किस्तें ना गई हों, वो गाड़ी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हो, ऐसा हो सकता है कि उस गाड़ी पे कोर्ट का केस चल रहा हो, तो प्लीज़ डू इंश्योर कि लोन की स्टेटमेंट ज़रूर मांगे, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितने बाउंस चार्जेस पे करने हैं, कितना आपका कस्टमर का जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज वो चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी और आपने बयाना दे दिया तो बाद में थोड़ा सा फंस सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस होता है, एनसीबी इज़ लाइक अ डिस्काउंट कि उस गाड़ी पे क्लेम लिया नहीं गया है। अगर एनसीबी ज़ीरो है इसका मतलब उसके ओनर ने गाड़ी पे क्लेम लिया है और वो गाड़ी रिपेयर करवाई है, तो आपको चेक करना होगा एनसीबी कितना है। एनसीबी ज़ीरो है, 20 है, सपोज़ 5 साल पुरानी गाड़ी का एनसीबी 20% है, तो मतलब ओनर ने लास्ट ईयर क्लेम नहीं लिया लेकिन उससे पिछले साल क्लेम लिया था, तो आपको जानना होगा किस चीज़ का क्लेम है। जो अगला पॉइंट है कि जी कार तो क्लेम लिया लेकिन कार की सर्विस हिस्ट्री और कब 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 कार वर्कशॉप पे गई है, तो देखिए एक तो है कि आप ओनर से इसके बिल्स मंगवा सकते हैं लेकिन कई बार वो बिल पॉसिबल नहीं होते हैं, वो आपको कम बिल हैंड ओवर करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है
कि एवरी मैन्युफैक्चरर हैज नॉट मेड एन एप्लीकेशन. मारुति का मारुति केयर है, ह्यूंडाई का ह्यूंडाई केयर है, होंडा का होंडा कनेक्ट है, टोयोटा का है, टाटा मोटर सर्विस कनेक्ट है. एवरी मैन्युफैक्चरर मेड एन एप्लीकेशन. तो वहाँ पे आके आप ओनर को बोल सकते हैं या जिन डीलर के पास है कि भैया इसमें लॉग इन करिए, OTP आएगा, व्हीकल चेसी नंबर मेंशन करना है, और वहाँ पे आके आप व्हीकल की सारी कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं. ये गाड़ी कब कब डीलर वर्कशॉप पे आई है अक्रॉस ऑथोराइज, उस डीलर पे नहीं, पैन इंडिया उस मैन्युफैक्चरर की कब कब ऑथोराइज वर्कशॉप पे आई है, कब कब गाड़ी पे रिपेयर्स हुए हैं, क्या क्या रिपेयर्स हुए हैं. तो इससे आप रेट कर सकते हैं कि कार की जो सर्विस हिस्ट्री है वो क्या है, कितनी बार कार टाइमली सर्विस ले गई है, कितनी बार अनटाइमली सर्विस ले गई है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चेक. नाउ वी शुड टॉक अबाउट ID एंड एड्रेस प्रूफ. देखिए बहुत ज़रूरी है, जो भी व्हीकल का ओनर नेम है RC के बुक में उन्हीं के नाम का ID और एड्रेस प्रूफ आपको चेक करना होगा. कई बार ऐसा होता है चाचा भतीजे के नाम पे होती है, वो चाचा के नाम पे है, चाचा अमेरिका गए हैं, भतीजे के नाम पे है, भतीजा मेरा जापान गया है, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ. साहब प्लीज़ इंश्योर कि फर्जी साइन पे जो फाइल है वो RTO के रिकॉर्ड्स में रुक सकती है. जो भी उस गाड़ी का ओरिजिनल ओनर है वो अवेलेबल है कि नहीं है, और ओनर का ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जरूर चाहिए होगा. ये भी जान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो एड्रेस मिसमैच होता है, पहले उस फुल एड्रेस पर रहते थे अब दूसरे एड्रेस पर रहते हैं. तो साहब जान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो RTO है उसमें MLO होता है वो पेनल्टी लगा सकता है कि भाई एड्रेस चेंज क्यों नहीं करवाया. वो पेनल्टी हालांकि सब्सटैंशल नहीं होती, 101 रुपये महीने की होती है, पर वो कस्टमर जो 4 साल पहले अपना फल एड्रेस चेंज किया है तो सोचो 48 रुपये की पेनल्टी ले सकती है. सो अगर एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, बेहतर है ओनर उसका RTO फॉर्म 33 सबमिट करके उसका एड्रेस प्रूफ अपना देख गाड़ी पे नई RC इशू करवा ले. तो ID और एड्रेस प्रूफ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आजकल तो प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया है. दिल्ली में जैसे बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है परिवहन की साइट पे जाके, लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, RTO फॉर्म 2930 दैट हैज़ टू बी सबमिटेड इन RTO ओनली बाय पर्सन, और आपको ट्रांसफर्ड RC बाय पोस्ट आ जाएगी. तो ये इंपॉर्टेंट चेक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सो एज टू बी अ स्मार्ट यूज का बायर, सो एज टू अवॉइड फ्रॉड विच इज़ हैपनिंग, सो एज टू बीइंग श्योर कि भाई आपकी गाड़ी जो लेना चाह रहे हैं वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाए. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन. इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वीडियो को अपलोड करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माय कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. थैंक यू.